हाँ हेलो बच्चों। तो आज मेरा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताने आए हैं। आफ्टर दैट मैं आप लोग को कुछ बताऊंगा क्लास में। देखिए यहाँ पे यह हमारा केमिस्ट्री है। इसका हिंदी होता है रसायन, इसका हिंदी होता है रसायन। ये तीन सेक्शन होता है इसमें। तीन सेक्शन के बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। अगर ये तीन सेक्शन अगर नहीं जान पाओगे तो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए, फर्स्ट सेक्शन है फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट सेक्शन है फिजिकल केमिस्ट्री, इसका हिंदी होता है भौतिक रसायन। चलिए देखते हैं भौतिक रसायन। एंड सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका हिंदी होता है अकार्बनिक रसायन। इसका हिंदी होता है अकार्बनिक रसायन। एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका हिंदी होता है कार्बनिक रसायन। हिंदी होता है कार्बनिक रसायन। अब ये तीन सेक्शन के बारे में हमें बहुत ही अच्छे से समझ आना चाहिए, अदरवाइज ये केमिस्ट्री सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो देखेंगे यहाँ पे कि तीन सेक्शन में इम्पोर्टेंट कौन सा है। ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ये बहुत ही इजी है। ये आफ्टर दैट इनऑर्गेनिक थोड़ा सा इससे मोडरेट है, और सबसे आसान बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये दोनों सेक्शन में ओनली रिएक्शन है, और इस सेक्शन में फिजिक्स से रिलेटेड है। जिस भी बच्चा को फिजिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है, ये सेक्शन बहुत इजीली बता सकता है। और इसमें देखा जाए तो ये दोनों सेक्शन में रिएक्शन आता है, ये दोनों सेक्शन में रिएक्शन आता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेते हैं यहाँ पे। ये तीन सेक्शन में कुछ टॉपिक निकाल कर आते हैं जो बहुत ही फंडामेंटल होगा, जो आगे टॉपिक में काम आएगा। फर्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग, और सेकेंड है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग का हिंदी होता है रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन, और ये सेकेंड का पीरियोडिक टेबल, जिसका हिंदी होता है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, ये दो चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये दो चैप्टर के बिना ये केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हो। सो लास्ट में हम बोलना चाहेंगे एक बार, ये दो चैप्टर सीखने के बाद आपको केमिस्ट्री बहुत ही सरल महसूस होगा। और लास्ट में हम ये बताना चाहेंगे कि आज के बाद हमारा कल से टॉपिक वाइज सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा वीडियो अपलोड होने के लिए। और लास्ट में एक चीज़ और, कि इस चैनल को लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। ठीक है।